ये बताइए आपको कहीं केजरीवाल हिल का ऑफर कैसे और कब मिला? आई थिंक इन द मिडल ऑफ लास्ट ईयर, जून से शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सिंपल, आई मीन बालाजी टेलीफिल्म से फ़ोन आया, कहा एक नई सीरियल्स है, सॉरी, और उन्होंने कहा कि एक नई सीरियल है जिसका नाम कुछ और था, बट इट्स द सेम सीरियल. आई थिंक इट वॉज गोइंग टू बी कॉल्ड के नाइट्स. और वी टॉक्ट अबाउट द कैरेक्टर, दे सेड इट्स वन ऑफ द लीड रोल्स, और दे वर सेइंग एक्चुअली इट इज द लीड रोल. तो आई कुडंट बिलीव इट एक्चुअली. आई थॉट, यू नो, दे सेड कम से कम 15 दिन शूटिंग होगा महीने में. सो एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी एंड दे ऑफर्ड मी दिस रोल, और उन्होंने कहा कि ये लीड रोल है. आई वाजंट श्योर वेदर, यू नो, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लीड रोल है, और एक्चुअली यू एंड अप बीइंग इन सम थर्ड ट्रैक एंड यू आर शूटिंग 2 डेज अ मंथ. और इन्होंने कहा कि भाई आप कम से कम 15 दिन शूट करेंगे हमारे साथ. तो इन माई माइंड आई सेड 15 मतलब मैं 4-5 दिन शूट करूँगा इन लोगों के साथ और लीड रोल नहीं होगा. एंड आई जस्ट वेंट ऑन विद, आई सेड चलो लेट्स डू सम टीवी. बट इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दे वर ट्रू टू देयर वर्ड. और आई एम शूटिंग एन एवरेज ऑफ 25-30 डेज अ मंथ. तो हाउ डू यू कोप अप विद लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड योर पर्सनल लाइफ? Actually, the long hours are compensated by the fact that it's a 5-star production house. तो मैं मतलब 5-star production house और 5-star channel शायद साथ में. Is that okay if I'm saying it? Yeah. But हमारे जो working environment है is very conducive to actors, you know. Being able to do more work, we have a centrally AC set, and I mean, even if we shoot outdoors or somewhere else, there's a vanity with a trailer, you know. So they make sure that the actors are treated very well, so that makes it easy. Yeah, personal life can be handled. I mean, it's not that I'm doing 4 serials, so I think. You get a few days in the year, in a, sorry, in a month. You get a few days in a month where you can go out of town. Otherwise, in any line in the city, there's not much space for personal life in the evening. Commuting is such a problem. 1-2 ghante lagte hain wherever you go. So it's difficult. ये बताइए केसरी पालीहल की स्टोरी शुरू हुई 3 नौजवान की दोस्ती से. तो हाउ मच डू यू बिलीव इन फ्रेंडशिप एंड इज इट पॉसिबल इन टुडेज टाइम, बिकॉज आगे चल के आपकी दोस्ती टूट चुकी है ऑन स्क्रीन. या अबाउट फ्रेंडशिप, आई थिंक देर आर सम पीपल हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, देर आर रिलेशनशिप्स विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. But I think everything is transient, you know, everything changes. So I don't believe that friendship necessarily lasts forever. मतलब ऐसा नहीं है कि वो लॉक हो जाता है और फ्रेंड्स फ्रेंड्स रहेंगे जिंदगी भर. तो वो मुश्किल है, हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो जहाँ तक सीरियल का सवाल है और फ्रेंड्स बिछड़ जाते हैं, आई थिंक इट्स ओके. एक्चुअली आई एम ओपन इनफ एज अ ह्यूमन बीइंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है लाइफ. तो मेरे इतने मतलब ब्लिंकर्ड व्यूज़ नहीं है कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ होता है.